ये छाछ है, मक्खन निकालने के बाद बच गया। हाफ लीटर दूध डालूंगी और अभी ये सारी चीजें जो काट कर रखी उसमें इसमें डालूंगी। गैस पे चढ़ा दी हूँ और अभी इसे चलाते रहूंगी। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। अभी इसे चलाती रहूंगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। चलाते चलाते ये देखिए फटा हुआ जैसा हो गया। उबाल आने तक इसे अभी और गैस पर रखूंगी। इसमें उबाल आ गया, अब मैं गैस बंद कर दी हूँ। इसमें उबाल आ गया तो गैस बंद कर दी हूँ। अभी मैं इसे एक मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी ताकि जो सब्जियां इसमें मैं डाली हूँ वो अच्छे से पक जाए। मैं एक बर्तन ले ली हूँ, इस पर छन्नी रख के और कपड़ा रख दी हूँ और अब मैं इसे छान दूंगी पनीर को। इसका पानी निचोड़ दी हूँ और इसे अभी मैं पानी इसका अच्छे से निकल जाए तो और ठंडा भी हो जाए इसे मैं रख दूंगी। अकॉर्डिंग बेसन ले ली हूँ, इसमें एक पिंच खाने का सोडा डालूंगी, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, तीखा के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और पानी डाल के इसका बटर तैयार कर लूंगी। पनीर सेट हो गया, अब मैं इसे पीस में कट कर लूंगी। मैं इसे सेट होने के लिए ज्यादा देर तक नहीं रख पाई इसलिए थोड़े से टूट रहे हैं। इसे पकौड़े के बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होगी, थोड़ी सी गाढ़ी। तो घोल में पनीर को घोल में डिप करना है और इसे तेल में डीप फ्राई करेंगे। इसे निकाल लेंगे, बनकर तैयार है वेज पनीर पकौड़ा।